गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 20, सेफ्टी रूल्स ऑफ क्लास फर्स्ट. ईवीएस चैप्टर नंबर 20, सेफ्टी रूल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट. ओके, वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम. कि हमें हर समय हर टाइम सेफ्टी रूल्स है वो जो फॉलो करने चाहिए. दे हेल्प अस टू सेव. ये हमें सेफ सुरक्षित रहने में मदद करती हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी ऑन द रोड. सबसे पहले पॉइंट है जो हमारा है वो सेफ्टी ऑन द रोड, कि रोड पर हमारी क्या सेफ्टी होनी चाहिए. ठीक है. फर्स्ट, रीना वॉक्स टू स्कूल. सी द पिक्चर ऑफ रीना. रीना वॉक्स टू स्कूल. रीना स्कूल जाती है. शी टेक्स केयर एंड ऑलवेज वॉक्स ऑन द फुटपाथ. वो अपनी केयर करती है एंड हमेशा, ठीक है, फुटपाथ पे ही चलती है. शी क्रॉसेस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसेस, व्हाट इज़ द जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग इज ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन द रोड. ओके, वाइट और ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप्स होती हैं रोड पर बनी होती हैं उन्हें बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग. ओके, वो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही अपना रोड है जो वो क्रॉस करती है. व्हाइल क्रॉसिंग द रोड शी सीज द पेडेस्ट्रियन लाइट्स केयरफुली. जिस टाइम वो रोड क्रॉसिंग करती है तब वो क्या करती है, पेडेस्ट्रियन लाइट्स. पेडेस्ट्रियन लाइट कौन सी होती है, पैदल चलते हैं जो, उनकी जो लाइट होती है उन्हें केयरफुली, ध्यान से, सावधानी से देखती है. शी नोज दैट. वो जानती है, क्या जानती है वो. फर्स्ट पॉइंट, रेड लाइट सेज स्टॉप. वो जानती है कि रेड लाइन लाइट हमें क्या कहती है, कि स्टॉप, रुको. एंड सेकेंड पॉइंट इज ग्रीन लाइट सेज गो. ग्रीन लाइट हमें क्या कहती है, कि जाओ. शी क्रॉसिस द रोड ओनली वैन द ग्रीन लाइट टेल्स हर टू गो. वो कब रोड क्रॉस करती है, वो तभी रोड क्रॉस करती है जब ग्रीन लाइट है जो उन्हें बोलती है कि जाओ. नाउ आर सेकेंड पॉइंट इज सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग. ठीक है, तो सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग, यात्रा करते टाइम हमारी क्या सेफ्टी है. ठीक है, राहुल गोज़ टू स्कूल बाय द स्कूल बस. राहुल स्कूल बस से स्कूल जाता है. ही नोज दैट ही मस्ट स्टैंड इन अ क्यू विद अदर चिल्ड्रन वाइल वेटिंग फॉर द बस. वो जानता है कि उसे क्यू, क्यू मीन्स होता है लाइन में, कतार में. ठीक है, लाइन में खड़े होना है दूसरे बच्चों के साथ और बस की वेट करनी है. He must not, उसे क्या नहीं करना चाहिए, get out और get into a moving bus. चलती बस से ना ही उतरना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए. Lean out of the moving bus, चलती बस से कभी भी हाथ, सिर अपना कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए. Disturb the driver, कभी भी driver को disturb नहीं करना चाहिए. Okay? Rahul follows safety rules and therefore he is safe. राहुल सेफ्टी रूल्स हैं जो उन्हें फॉलो करता है. ही इज सेफ, वो सेफ है. ही टेक्स केयर दैट ही, वो अपनी टेक केयर, ठीक है, वो सावधानी रखता है अपनी. फर्स्ट, प्लेस गेम्स इन अ पार्क और अ प्लेग्राउंड. ठीक है, क्योंकि वो खेलता है कहाँ पर, पार्क में या फिर प्लेग्राउंड में, मैदान में. सेकेंड, डज नॉट क्लाइंब ऑन विंडोज. विंडो पर कभी नहीं चढ़ता है वो. He knows that he can fall down and get hurt. वह जानता है कि वो नीचे गिर सकता है और hurt, जख्मी हो सकता है. ठीक है, Rahul and Nikhil goes for swimming lesson. Rahul और Nikhil हैं जो वो swimming classes लेने जाते हैं, सीखने जाते हैं. They know that they must, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए. First point is use swimming tubes as they still do not know how to swim. कि जब तक वो सीख नहीं जाते हैं स्विमिंग करना तो उन्हें स्विमिंग ट्यूब की हेल्प लेनी है स्विमिंग में. ओके, सेकेंड पॉइंट इज हैव अ बाथ आफ्टर देयर स्विमिंग लेसन्स. जो स्विमिंग की क्लास है पहले वो लेंगे और उसके बाद ही वो नहाने जाते हैं. ओके, बात करते हैं. दे मस्ट नॉट, उन्हें क्या नहीं करना है. फर्स्ट पॉइंट इज गो इन टू डीप वाटर. कभी भी गहरे पानी में, जहाँ पर ज़्यादा डूंघाई है वहाँ पर नहीं जाना है. सेकेंड पॉइंट इज गो अलोन फॉर अ स्विम. कभी भी अकेले स्विमिंग के लिए नहीं जाना है. ओके, नीता इज राहुल्स यंगर सिस्टर. नीता है जो वो राहुल की छोटी सिस्टर है. राहुल केयर्स फॉर हर. राहुल उसकी केयर करता है.
व्हेन नीटा गॉट हर्ट विद अ ब्लेड, जब नीता है जो उसे ब्लेड से हर्ट हो गई थी, जख्मी हो गई थी, तो राहुल एक्सप्लेन्ड दैट, राहुल ने उसे समझाया, उसे एक्सप्लेन किया, दैट शी मस्ट नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, कि कभी भी शार्प तीखे ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो तीखी चीज़ें, उनके साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए, लाइक जैसा क्या कौन कौन से हैं, सीजर ब्लेड्स एंड नाइफ्स, सीजर है हमारी जो कैंची है, ब्लेड्स एंड नाइफ्स चाकू हैं, ओके। ही ऑल्सो टोल्ड हर दैट शी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, उसने उसे ये भी बताया कि हमें कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जो बिजली की तारें हैं, प्लग्स सॉकेट एंड हॉट आयरन, और गर्म जो चीज़ है जैसे कि प्रेस होगी है, इनसे हमेशा ही दूर रहना चाहिए, कभी भी इन्हें टच नहीं करना चाहिए, दीज थिंग्स कैन कॉज हार्म, इन चीज़ों के हमें नुकसान हो सकते हैं। ही ऑल्सो एक्सप्लेन टू हर दैट मैचस्टिक्स एंड फायर कैन बर्न हर स्किन, उसने उसे ये भी एक्सप्लेन किया, ये भी बताया कि कैसे मैचस्टिक है जो माचिस है और जो फायर है आग है वो हमारी स्किन को कैसे जला सकती है। शी मस्ट नेवर प्ले विद देम, तो उसे कभी भी इन चीज़ों के साथ खेलना नहीं चाहिए। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स सो दैट वी ऑलवेज स्टे सेफ, अगर हम सेफ्टी रूल्स हैं उन्हें फॉलो करेंगे, उन्हें मानेंगे, तो हम हमेशा ही सेफ रहेंगे, ठीक है, सुरक्षित रहेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ फर्स्ट एड, ओके। फर्स्ट एड इज़ जो हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, अगर कोई हर्ट हो जाता है, किसी के वाउंड हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो फर्स्ट एड, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट एड। राहुल नोज दैट व्हेन समवन गेट्स हर्ट, राहुल जानता है कि अगर कोई हर्ट हो जाता है, चोट लग जाती है अगर किसी के, दे मस्ट रिपोर्ट इट टू द टीचर और एनी एडल्ट इमिडिएटली, तो हमें अपने टीचर को रिपोर्ट करनी चाहिए या फिर एडल्ट अपने से बड़ा हो जो, ठीक है, उसे इमिडिएटली तुरंत बताना चाहिए। द हर्ट चाइल्ड मस्ट बी गिवन फर्स्ट एड, ठीक है, जो जख्मी बच्चा है उसे सबसे पहले फर्स्ट एड देनी है। फर्स्ट एड इज़ देर शुड बी अ फर्स्ट एड बॉक्स इन द क्लासरूम, फर्स्ट एड है जो हमारे क्लासरूम में होना चाहिए, होम्स घर में एंड इन कार, और कार में होना चाहिए फर्स्ट एड। नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन वी स्टे सेफ एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस जैसे गुरुद्वारा हो गया हमारा, पार्क हो गई, ठीक है, किसी मंदिर में जाते हैं, ये पब्लिक प्लेस होती हैं, ओके, तो पब्लिक प्लेस पे हमें क्या अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, वी शुड ऑलवेज होल्ड आर पेरेंट्स हैंड इन अ पब्लिक प्लेस, हमें पब्लिक प्लेस पे हमेशा अपने, जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हमें हमेशा अपने पेरेंट्स हैं या फिर अपने जो बड़े हैं जिनके साथ हम आए हैं उनका हैंड पकड़ के रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर, हमें कभी भी स्ट्रेंजर मींस अजनबियों जिससे जिन्हें हम नहीं जानते हैं उनसे बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट टच एनीथिंग स्ट्रेंज, और हमें कभी भी किसी स्ट्रेंज आदमी को टच नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट इज इफ़ वी आर लॉस्ट, अगर हम गुम हो जाते हैं, वी शुड आस्क अ पुलिस मैन या पुलिस वमन फॉर हेल्प, तो हमें हमेशा अपने पुलिस मैन या फिर पुलिस वमन है उनकी हेल्प लेनी होगी, ठीक है, हेल्प लेनी चाहिए। गुड टच एंड बैड टच, गुड टच और बैड टच, अच्छा छूना और बुरा, ठीक है। सो अ गुड टच मेक्स यू फील सेफ एंड नाइस, जब हमें कोई अच्छे तरीके से हाथ लगाता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो हमें फील होता है कि हम सेफ हैं और अच्छा लगता है, तो इट फील गुड, तो उसे क्या बोलते हैं, गुड। व्हेन यूर पेरेंट्स पैट यू ऑन द बैक और यू शेक हैंड विद योर फ्रेंड्स, हमें गुड टच किस टाइम होता है, जब हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारी बैक हमारी पीठ पर थपथपाते हैं या फिर जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, ओके। सो इट इज़ गुड टच। सेकंड, समटाइम्स वी डू नॉट फील गुड, कई बार क्या होता है कि हमें अच्छा फील नहीं होता है, व्हेन समवन टचेस अस, जब कोई हमें टच करता है, दिस इज़ कॉल्ड अ बैड टच, इसे क्या बोलते हैं, बैड टच। से नो लाउडली एंड टेल Your parents, loudly, ऊंची आवाज़ में बोलना है no, और अपने parents को बताना है, Your parents will help you, आपके जो parents हैं वो आपकी help करेंगे। You may also talk to your teacher about this, आप इस बारे में अपने teacher से भी बात कर सकती हैं, okay? So, this is our lesson 20, okay, thank you, have a nice day.